बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भीषण गर्मी में बिजली की डिमांड ने बनाया है रिकॉर्ड। प्रदेश में एक ही दिन में 2615 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति राजस्थान डिस्कॉम ने 1 जून को दी अब तक की सर्वाधिक बिजली, और इससे पहले 5 जून 2018 को की गई थी 2549 लाख यूनिट आपूर्ति। बिजली की मांग और अगले एक महीने और बढ़ने की आशंका है, ऐसे में पावर ट्रेडिंग सेल ने लोड मैनेजमेंट पर फोकस किया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से बढ़ती गर्मी की बात करें तो उसकी वजह से भीषण गर्मी में बिजली की डिमांड ने यहां पर रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में एक ही दिन में 2615 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति है और राजस्थान डिस्कॉम ने 1 जून को दी है अब तक की सर्वाधिक बिजली, और इससे पहले 5 जून 2018 को की गई थी 2549 लाख यूनिट आपूर्ति। बिजली की मांग यानी कि अगले एक महीने और बढ़ने की यहां पर आशंका जताई जा रही है, और ऐसे में पावर ट्रेडिंग सेल ने लोड मैनेजमेंट पर फोकस किया है। तो भीषण गर्मी की अगर बात करें यहां पर, तो उसकी वजह से यहां पर बिजली की खपत बढ़ गई है, और हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से यहां पर बिजली की आपूर्ति जो है बढ़ती जा रही है, आगे क्या जानकारी? देखिए, भीषण गर्मी का जो प्रकोप राजस्थान और पूरे राजस्थान के अंदर देखने मिल रहा है, उसका सीधा इम्पैक्ट पानी और बिजली जो सेवाएं उनसे देखने मिल रहा है। उसका जो आंकड़े वाइज अगर हम देखें तो राजस्थान में बिजली की डिमांड ने पुराने जो है तमाम जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिए हैं। 1 जून को जिस तरह से बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ी है, और बढ़ने के साथ ही जो पुराने जो रिकॉर्ड बने हुए थे अब तक के बिजली की डिमांड के, वो सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए गए। जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, ये बिजली अभियंताओं के लिए बड़ी चिंता की बात भी हो गई है, क्योंकि अभी 5 जून आई है, 5 जून को जिस तरह से डिमांड बढ़ी है वो आगे जाकर और आगे बढ़ सकती है। हम बात करें 1 जून की, 1 जून को 2615 लाख यूनिट बिजली एक ही दिन के अंदर प्रदेश के अंदर आपूर्ति की गई है, जबकि अगर बात करें इससे पहले की जो रिकॉर्ड थी 5 जून 2018 को 2549 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति जो है स्टेट के अंदर की गई थी। ये जो बिजली की डिमांड बढ़ी है, इसके बाद से जयपुर डिस्कॉम प्रशासन के साथ जो तीनों डिस्कॉम है वो काफी चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि लोड मैनेजमेंट की थोड़ी समस्या है, और आगामी दिनों में अगर ये डिमांड जो है लगातार बढ़ती है तो उस स्थिति में बिजली की दिक्कतें पैदा हो सकती है, इसलिए उसको देखते हुए लोड मैनेजमेंट पर अब जी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विकास।